हम आज लौकी के कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। ये लौकी धोई मैं, ये कट कर दूंगी मैं थोड़ा। लौकी को छिलेंगे नहीं, ऐसे कस देंगे। छिलका हटाने से पकौड़ी जो होती करारी नहीं होती, से वो बहुत करारी हो जाती है। लौकी मुलायम भी है ना, ये ये कस दी हमने लौकी। ये डाल दी हमने तीन दो चम्मच बेसन, तीन ही समझ लो, तीन चम्मच। ये थोड़ा सा मैंने आटा डाल दिया इसमें, इसे करारी हो जाएंगे ना। और ये नमक डाल दिया इसमें, ये हल्दी पाउडर, ये मिर्ची पाउडर, ये अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें सब मसाले भी डाल के, मिर्च नमक वगैरह। ये हो गया हमारा तैयार। ये रख दी हमने कढ़ाई और ये गैस कर दी ऑन। इसमें डालेंगे हम तेल, इसी को डाल लीजिए। अभी तेल गरम हो रहा है तब करेंगे तैयार हम पकौड़े। अब तेल गरम हो गया, पकौड़ियाँ बनाने शुरू कर देंगे। अच्छे से तैयार हो गई, ये निकाल दी है। दोनों तरफ अच्छे से होने चाहिए इनको। ये मैंने दो प्याज पहले से तैयार कर रखे हैं काट के, ये दो टमाटर, एक टमाटर तैयार हो रहा, दो टमाटर काट लिए हमने। ये दो मिर्च हैं। ये हो गई कोफ्ते के लिए पकौड़ियाँ तैयार।
तेल मैंने कम कर दिया, अरे प्याज तैयार कर दी मैंने, प्याज डाल दी इसमें, डाल दी टमाटर डाल दिए, नमक डाल दें, मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, तो मिर्च पाउडर ही डाल दीजिए टमाटर को बोलिए, तैयार कर दिया, इसमें पानी डाल देंगे, दो कटोरी पानी डाल दिया, अब इसको थोड़ा पकने तक छोड़ देंगे, थोड़ी देर रख दूंगी मैं इसको पकने के लिए, और पकौड़े बाद में डालेंगे इसको। ये ग्रेवी तैयार हो गई, इसमें डाल, ये उबल गई है उसका साग, इसमें डाल देंगे पकौड़े, थोड़ी दो दो तीन मिनट पकाएंगे हम इसको, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, फिर पकाएंगे बस, ये हो गया कोफ्ते तैयार, अब गैस कर लूँगी मैं बाद, हो गए हमारे कोफ्ते तैयार, इसमें हमने डाल दिया हरा धनिया ऊपर से, इस तरीके से आप घर में बना सकते हैं लौकी के कोफ्ते।